हाल ही में हुए सीधी बस हादसे के बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जहां शहडोल के स्थानीय कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने जिले के परिवहन अधिकारी समेत बस मालिक की बैठक ली है। बैठक में सभी बस मालिकों को निर्देश दिए गए हैं जिसमें बसों में ओवरलोडिंग ना हो, आपातकालीन द्वार दुर्घटना के समय आसानी से खुलने योग्य हो। वहीं SP ने कहा है कि जल्द ही राजस्व, पुलिस और परिवहन की संयुक्त टीम नियमों और सुरक्षा के सभी मापदंडों का पालन करने वाले वाहनों का निरीक्षण और कार्रवाई करेगी। सभी बस मालिकों की मीटिंग ली गई है, जिसमें कि जो विगत दिनों में दुर्घटना हुई है ये आपके सीधी जिले में, उसके परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी बसों पर मूल रूप से जो भी उसके मापदंड है उस पर सुधार करके चलने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें जो है तो यात्री वाहन को अपने साफ सुथरा और जो इमरजेंसी गेट हैं उसको तत्काल दुरुस्त रखना, पीछे के जो गेट हैं उनको भी दुरुस्त रखना, एवं हमारे चालक परिचालक वर्दी में हो, एवं वाहन हमारी जो है तो बिल्कुल पूरी तरह से दुरुस्त अवस्था में होनी चाहिए। बस ओनर्स को देखिए, कहना एक पुरानी कहावत रही है कि दूध के बोले यहाँ के भी बस ऑपरेटर्स नहीं है। यहाँ के भी बस ऑपरेटर्स कई प्रकार की गलतियाँ करते हैं, फिटनेस पे लाने के दौरान ये सीटें निकाल देते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, एक ही फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कई बार किया जाता है फिटनेस लेने के लिए, उस गाड़ी पर रख देंगे। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए, जो कि बहुत बेसिक कमियाँ हैं और उनको दूर किया जा सकता है, और इस बार 100% श्योर किया जा रहा है कि इन कमियों को दूर किया बस मालिक उनको बुलाया गया था, सीधी में जो दुर्घटना हुई उसके संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी, और बगैर परमिट की गाड़ियां, बगैर फिटनेस की गाड़ियां, बगैर सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन, सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई, और ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि सारे नियमों का सख्ती से पालन करना है, ओवरलोडिंग बिल्कुल अलाउ नहीं होगी, और अगर नियम किसी भी प्रकार से शिथिल कोई करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी।